इस समय हम सोनीपत में डॉक्टर रमेश बत्रा जी के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो आखिर उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने काफी वर्षों तक इस तरह की जो हार्ट की बीमारियां हो जाती है लोगों को, उनके बचाव को लिए कार्य किया है, तो अगर हार्ट की बीमारी होती है तो बचाव के लिए इंसान को क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप एक अत्यंत नाजुक विषय पे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि आप अगर हम सब टीवी देखते हैं, उस टीवी में हम सब देखें तो अभी परसों ही एक व्यक्ति शादी में डांस कर रहा था, उसको दर्द हुआ, नीचे गिरा और वो मर गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे कि कोई यंग बच्चा 25 साल 22 साल 27 साल का कहीं पे फंक्शन में खड़ा है, डांस कर रहा है, कोई कलाकार कर रहा है किसी स्टेज पे, सडनली उसको छाती में दर्द हुआ और स्टेज के ऊपर ही उसकी मृत्यु हो गई। आज से कुछ वर्ष पहले हार्ट अटैक 60 70 80 साल की उम्र में लोगों को होता था, मगर अब हार्ट अटैक की कोई उम्र नहीं रही। 20 साल 25 साल 30 साल के लोग हार्ट अटैक से पीड़ित अक्सर हमारे पास आते हैं और उनकी ईसीजी में मेजर हार्ट अटैक होता है। अगर हो जाता है तो पहले आपके प्रश्न का जवाब मैं ये दूंगा कि मान लो घर के अंदर आपको छाती में दर्द हो गया है, आपको क्या करना चाहिए? मेरा एक सुझाव है आपको कि एक डिस्प्रिन की गोली आती है, कुल 15-20 पैसे की गोली होती है, सब लोग अपने घर में रखें, सब लोग हर एक के घर में डिस्प्रिन की गोली होनी चाहिए। अगर रात को किसी और टाइम में आपको छाती में दर्द हो गया तो डिस्प्रिन की गोली पानी में डालिए, वो घुल जाएगी डालते ही, उस पानी को पी लीजिए। डिस्प्रिन की गोली जो है वो हमारे अंदर जब हार्ट अटैक होता है तो जो खून की नस बंद हो रही है, जिसके अंदर खून का थक्का जम रहा है, उस थक्के को घोलने में बहुत ज्यादा सहायक होगी और वो आपकी जान रक्षा कर सकती है। दूसरी बात, कभी भी घर में स्वयं गैस है ये समझ के इलाज मत कीजिए। हमेशा छाती में दर्द है, बाजू में दर्द है, घबराहट है, पसीना है, चक्कर है, सांस चढ़ रहा है, तो पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द है, ये हार्ट अटैक हो सकता है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि छाती में दर्द है और बाएं बाजू में जा रहा है तो हार्ट अटैक है। नहीं, आपका दर्द दाएं बाजू में भी हो सकता है, आपका दर्द जबड़े में भी हो सकता है, आपका दर्द कंधों में भी हो सकता है, पीठ में भी हो सकता है, वो हार्ट अटैक हो सकता है। ये फैसला करना डॉक्टर का काम है, आपका नहीं। तो डिस्प्रिन की गोली लेने के बाद आप हार्ट के उचित डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपनी ईसीजी कराइए। जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने जो है दर्शकों को काफी अच्छी जानकारी दी है, और खास तौर से हार्ट अटैक अगर आता है तो हार्ट का अटैक आता है, तो आखिर क्या कारण है इसके हैं जो इतनी कम युवा जो हैं उनको भी अटैक अब आने लग गया, आखिर क्या इसका कारण मानते हो? देखो, कुछ कारण तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कारण है, जैसे किसी मरीज को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, शुगर ज्यादा रहती है, खून में चर्बी ज्यादा है, स्मोकिंग करता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। स्मोकिंग का अर्थ है बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना। लोग सोचते हैं मैं तो तंबाकू खा रहा हूँ ये स्मोकिंग नहीं है, नहीं, तंबाकू खाना भी स्मोकिंग है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, चारों चीजें स्मोकिंग है। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ब्लड प्रेशर, शुगर, खून में चर्बी, स्मोकिंग, एक्सरसाइज का ना करना, निष्क्रिय लाइफ को जीना, सैर ही नहीं करना, कभी घूमना फिरना नहीं, खेल कूदना नहीं, बॉडी की एक्टिविटी ना करना, हार्ट अटैक को इनवाइट करती है। और फिर टेंशन में रहना, तनाव में रहना, ये भी हार्ट अटैक करता है। और कुछ मरीजों को हार्ट अटैक जेनेटिक होता है, अनुवांशिक होता है, फादर को है, ब्रदर को है, भाई को है, बहन को है, मासी को है, मामा को है, तो ये अनुवांशिक होता है, जेनेटिक हार्ट अटैक होते हैं, परिवारों में चलते हैं, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, मगर बाकी चीजें को आप ठीक रख सकते हो और अपने आप को रोक सकते हो। और एक बात और जो हमने देखी कोरोना के बाद, कोरोना में खून जो है गाढ़ा हो जाता है। कोरोना के पेशेंट जब हमारे यहाँ एडमिट होते थे तो हम उनको हेपरिन इंजेक्शन देते थे, डिस्प्रिन की गोली देते थे ताकि खून पतला हो जाए। कुछ लोगों का इलाज, कुछ लोगों को हार्ट अटैक का कारण कोरोना भी है, क्योंकि खून उनका गाढ़ा चल रहा है, इसलिए उनको हार्ट अटैक होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना में भी रक्त जो है वो गाढ़ा हो जाता है,
और जिस तरह से बात कर लेते हैं देश की, तो देश में हार्ट अटैक की जो काफ़ी शिकायतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, और एक स्टंट जो है वो डाला जाता है, तो इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश? हार्ट अटैक के इलाज के तीन साधन हैं, तीन साधन, एक है दवाई, दूसरा है स्टेंट और तीसरा है बाईपास सर्जरी। ये उपलब्ध साधन है। अगर व्यक्ति पहले तीन घंटे में, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ पहले तीन घंटे में, अगर आप आ गए और ECG में आपको हार्ट अटैक है, तो आजकल ऐसे इंजेक्शन उपलब्ध है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, रेटीप्लेस, टेनेक्टाप्लेस, ये सॉल्ट के नाम है, इंजेक्शन के नाम है, ये उपलब्ध है। अगर पहले तीन घंटे में वो इंजेक्शन आपको लगा दिया जाता है तो खून का थक्का जो है वो घुल जाता है, नस खुल जाती है। टेनेक्टाप्लेस 50-52 हज़ार रुपये का एक टीका, मगर वो लाइफ सेविंग टीका। सैकड़ों लोगों को हमने टेनेक्टाप्लेस लगा के उनकी नसें खोली हैं, और अगले दिन जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो नस खुली होती है, कोई स्टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हार्ट अटैक हुआ तो स्टेंट ही डलेगा, नहीं, आप दवाई से भी ठीक हो सकते हैं, दवाई से ठीक हो गए नहीं स्टेंट से ठीक हो सकते हैं, नहीं तो बाईपास से ठीक हो सकते हैं। और आजकल एक नई टेक्निक आ गई है, लेजर से नस को खोलना, बिना स्टेंट डाले लेजर से नस को खोलना। एक और नई टेक्निक आई है, उसे हम कहते हैं ड्रग डाइल्यूटिंग बैलून, कि जो नस बंधा है उसके अंदर पहले तार जाएगी, फिर एक स्पेशल गुब्बारा जाता है, उस गुब्बारे में से दवाई निकलती है, वो दवाई जो है उस नस की ब्लॉकेज को खोल देती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं ड्रग डाइल्यूटिंग बैलून। ऐसा गुब्बारा जिसके ऊपर दवाई लगी हुई है, वो दवाई निकल के उस ब्लॉकेज को खोल देगी, बिना स्टेंट के भी आप ठीक हो सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको स्टेंट ही डलेगा, निर्भर करेगा मरीज की अपनी बीमारी पर। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अब साफ कर दिया है कि अगर इंसान चौकसी रखेगा और तीन घंटे के अंदर ही डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा तो बचाव जरूर हो सकता है, लेकिन इंसान को चौकसी जरूर रखनी चाहिए क्योंकि जीवन अमूल्य है। राजेश खत्री, सोनीपत।